सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिक ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, क्या आपको पता है टाटा की BS4 BS3 गाड़ी में डबल गियर क्यों फंसता है? अगर नहीं पता दोस्तों, तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं किस वजह से डबल गियर फंसता है। इस टाइप के टोटल गियर 4 हैं, GB60, DB75, G950 और G1150। ये सारे गियर में इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरखाटे और मेरा YouTube चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चलिए हम ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस गियरबॉक्स का टॉप कवर ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने पहले से ही ये टॉप कवर को ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं इस टॉप कवर का जो फॉर्क है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये है गियरबॉक्स का सिलेक्टर शाफ्ट, जो कि एक तो है रिवर्स और एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर सिलेक्टर फॉर्क है। चलिए हम एक एक करके सारे का गियर लगा के देखते हैं और देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों गियर एक साथ लग चुका है। ठीक है, ऐसा कभी लगना नहीं चाहिए, बट दोस्तों इस गियरबॉक्स में ये दो दो गियर एक ही साथ लग रहा है। दोस्तों, इस गियरबॉक्स को हमने इसीलिए ओपन किया है, ये गाड़ी रनिंग में एक गियर फंसता है वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दो गियर साथ में फंस जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी टोटल तीन गियर ऑलरेडी लगा हुआ है। ये तो हो गया रिवर्स और देख सकते हैं एक नंबर, दो नंबर का और तीन नंबर, चार नंबर का। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम वीडियो को करते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं और इस गियरबॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देख सकते हैं हमने मेन शाफ्ट वगैरह सारे सब चीज़ों को बाहर निकाल लिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है सिलेक्टर शाफ्ट, जिस जगह पर फिटिंग होता है उस जगह, इस जगह के बीच में लगता है बॉल और एक सिलेक्टर शाफ्ट में लगता है एक पिन। तो दोस्तों, इस गियरबॉक्स को हमने ओपन किया है, इसमें वो दोनों बॉल और पिन नहीं निकला है। तो दोस्तों, हमें ये बॉल और पिन डालना होगा, उसके बाद दोस्तों हम बताएंगे गियर लगाकर, आपको सारे गियर लगाकर। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है सिलेक्टर फॉक, जो कि इस जगह पर दोनों बॉल लगते हैं और जो सेंटर वाला जो शाफ्ट है उसमें एक पिन लगता है। दोस्तों, अगर इस गियरबॉक्स का ओपनिंग और फिटिंग का वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, टोटल प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जो कि आप सारे वीडियो को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इस गियरबॉक्स का आपको पार्ट कैटलॉग चाहिए तो मैकेनिक ज्ञान ऐप, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक ही गियर नहीं, इसमें सभी टाइप के गियरबॉक्स के पार्ट कैटलॉग मौजूद हैं और सभी टाइप के इंजन के पार्ट कैटलॉग मौजूद हैं। और अगर दोस्तों इसमें आपको मशीन जैसे कि ग्रेडर, JCB, लोडर, पुकलेन, ये सारे आपको पार्ट कैटलॉग चाहिए तो इस मैकेनिक ज्ञान ऐप में मिल जाएगा, जो कि हम इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दे देंगे। आप डायरेक्ट उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट प्ले स्टोर पर पहुंचकर मैकेनिक ज्ञान ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस मैकेनिक ज्ञान ऐप का लोगो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा एक पिन जो कि सिलेक्टर शाफ्ट में लगेगा और ये रहा दो बॉल जो कि किस जगह पर लगेगा, चलिए हम अभी आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने मेन शाफ्ट और एक नंबर, दो नंबर का सिलेक्टर शाफ्ट के साथ में हमने मेन शाफ्ट को गियर केसिंग के अंदर फिटिंग कर दिया है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप स्क्रीन, एक बॉल को इस जगह पे फिटिंग करना है, देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, जिस होल में अभी जो सेंटर में होल है, उस होल में एक सिलेक्टर शाफ्ट लगेगा, उस सिलेक्टर शाफ्ट में पिन लगेगा। ठीक है, उस शाफ्ट को फिटिंग करने के बाद में देख सकते हैं, ये रहा वो शाफ्ट, इस टाइप से ये शाफ्ट में पिन लगेगा। और इस शाफ्ट को फिटिंग करने के बाद जो लास्ट वाला होल बचता है उसमें दूसरा बॉल फिटिंग करना है। उसके बाद में सारे सिलेक्टर शाफ्ट को लगा देना है और गियर बॉक्स को असेंबल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि डबल गियर फंस रहा है या नहीं। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट के बहुत बड़ी सेल आने वाली है, जिसमें बहुत सारी ऑफर मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपको अच्छे खासे अगर टूल ख़रीदना है तो इस वीडियो के नीचे हमने मैकेनिकल टॉप 10 टूल का लिंक दिया हुआ है, आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों,
हमने थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दिया था और पूरा का पूरा गियर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देख सकते हैं दोस्तों, हमने एक गियर लगा दिया है। अब चलिए हम दूसरा गियर लगा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दूसरा गियर नहीं लग रहा है। चलिए हम दोबारा से और ट्राई करते हैं। तो देख सकते हैं, चलिए हम इस गियर को छोड़ देते हैं। अब चलिए हम रिवर्स लगा के देखते हैं, रिवर्स लगता है क्या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, रिवर्स गियर भी थोड़ा सा भी टस मस नहीं हो रहा है, मतलब डबल गियर नहीं लगने वाला है। देख सकते हैं कितना इजीली दूसरा गियर लग चुका है। अब चलिए हम दूसरे को एक बार और लगा के देखते हैं डबल गियर। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।